हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप लोग, आई होप सब बढ़िया होंगे भाई। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से जो है गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर स्टूडेंट लॉगिन कर सकते हैं। अगर भाई जो भी न्यू स्टूडेंट है भाई, मैं उनको भी बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से जो है अपना पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। तो मैं आपको सभी तरीके की डिटेल देने वाला हूँ, तो पूरी वीडियो के अंदर बने रहना। अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले आपको गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है भाई। यहाँ पे जैसे कि आप क्लिक करेंगे तो आप गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। और इसके बाद जो है आपको भाई लेफ्ट साइड ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसका जो है स्टूडेंट लॉगिन। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है भाई आपको यूज़र नेम और पासवर्ड भरना होगा। मैं आपको बता देता हूँ भाई कि आपको जो यूज़र नेम होगा वो आपका होगा यूनिवर्सिटी रोल नंबर। यूनिवर्सिटी रोल नंबर होगा भाई, अपना कॉलेज रोल नंबर मत भरना। अगर आप अपना कॉलेज रोल नंबर भरोगे तो भाई लॉगिन नहीं होगा। जैसे कि मेरा यूनिवर्सिटी रोल नंबर है ये है भाई, आप क्या कहें, ये तो मैं हाइड कर दूंगा। और भाई ये पासवर्ड है, ये पासवर्ड मैंने जनरेट कर रखा है। और मैं आपको बता दूं, जो भी भाई नया स्टूडेंट है उसका पासवर्ड उसको कॉलेज से पहले गिवन होगा, वो उसके अंदर जो भी गिवन होगा वो यहाँ पे भर सकता है और उसके बाद लॉगिन कर सकता है। और उसके बाद भाई वो अपना पासवर्ड चेंज भी कर सकता है, ठीक है। ऐसे ही हमें भी, जब हम भाई न्यू स्टूडेंट थे तो हमें कॉलेज की तरफ से जो है भाई पासवर्ड दिया गया था, हमने उस पासवर्ड को यहाँ पे डाला और हमारा लॉगिन हो गया था। अब लॉगिन हो गया तो फिर उनके बाद जो है हमने अपने पासवर्ड को चेंज कर लिया था। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ये डाल देना है जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसके बाद जो है आपको साइन इन कर लेना है भाई। साइन इन करने के बाद जो है आपको कुछ इस तरीके का जो है इंटरफेस देखने को मिलेगा और आपको भाई ये पूरा लॉगिन हो जाएगा। नीचे आपकी सारी डिटेल आ जाएगी। और उसके बाद जो है भाई आपको कुछ नहीं करना, आपको लेफ्ट साइड मेन्यू पर क्लिक करना है। और वहाँ पे जाने के बाद जो है भाई आपको इतने सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे ना, बहुत ज़्यादा भाई। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपको पूरी जब तक आप कॉलेज में रहोगे ना भाई, आपको जब तक काम आएगा। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि आप अपना रिजल्ट देखना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना भाई, जो सबसे लास्ट के अंदर प्रोविजनल मार्क कार्ड है आपको यहाँ पे क्लिक करना। और यहाँ से जो है अपना आप आराम से जो है भाई जो है स्टूडेंट मार्क मतलब रिजल्ट निकाल सकते हो। उसके बाद अगर आप होम पे क्लिक करेंगे, अगर आप चाहते हो भाई अपना एग्जामिनेशन फॉर्म वेरिफिकेशन करना, अगर आप एग्जामिनेशन फॉर्म वेरिफिकेशन नहीं करोगे तो भाई आपका रिजल्ट भी नहीं निकलेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप एग्जामिनेशन फॉर्म किस तरीके से जो है वेरीफाई कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आके आपको एग्जामिनेशन फॉर्म वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। जैसे ये मेरे को दिखा रहा है कि भाई हम मतलब प्लीज़ सेलेक्ट द लास्ट सेमेस्टर अगेंस्ट द एग्जाम दैट यू हैव अपीयर फॉर। तो भाई अगर आप सपोज करो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आना है तो आप अपने यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर सेलेक्ट कर लेना, सेकंड का आना है तो सेकंड सेमेस्टर सेलेक्ट कर लेना। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे गेट सब्जेक्ट का ऑप्शन आएगा। गेट सब्जेक्ट का ऑप्शन आने के बाद जो है आपको भाई बहुत सारे सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। हालांकि मेरा भाई जो है ये हो चुका है, तो इसलिए अगर आप न्यू स्टूडेंट होंगे तो जो भी आप सेलेक्ट करेंगे भाई आपके नीचे सब्जेक्ट आ जाएंगे, वहाँ से जाके आप उनको वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई करने के बाद ही जो है आपका भाई रिजल्ट शो होगा भाई। जो मैं आपको डिटेल दे रहा हूँ भाई आपको ये कोई नहीं देगा, इसलिए पूरी वीडियो के अंदर देखना भाई। और आप जैसे कि एडमिट कार्ड भी ले सकते हैं यहाँ पे, प्रोविजनल मार्क कार्ड जैसे कि मैंने आपको बताया। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आप जो है अपना रिजल्ट जो है भाई कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि आप प्रोविजनल मार्क कार्ड पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है भाई ऊपर जाएंगे। सबसे पहले भाई एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करेंगे। सपोज करो अगर आपको 2021-22 में जो आपने पेपर दिए थे तो भाई 2021-22 सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद ईयर, फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर के अंदर दो सेमेस्टर होंगे तो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि आपका रोल नंबर हो गया। और यहाँ पे देखना कि आपको मेन एग्जाम है रीअपीयर एग्जाम, सपोज करो रीअपीयर एग्जाम या फिर मेन एग्जाम। जैसे कि आप प्रिंट स्टूडेंट मार्क करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो भाई ये भी बात है। और अगर आप जब यहाँ पे लॉगिन करते हैं तो भाई आपको यहाँ पे देखो कितनी तरीके की आपकी सारी डिटेल आ जाती है। आपको जो भी कुछ करना चाहते हो हर तरीके की आपको डिटेल देखने को मिलेगी। आपने देखा आपने कि आप किस तरीके से जो है गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है भाई लॉगिन कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसे ही सपोर्ट कर।